एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही खुशनुमा और उत्साही बच्चा था। वह हर दिन अपने गांव के चारों ओर घूमता और खेलता था। उसके गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोगों ने डर के कारण छोड़ दिया था। एक दिन राजू ने सुना कि हवेली में भूतिया आत्मा रहती है, लेकिन राजू ने इसे सिर्फ एक कहानी मानी। उसने अपने दोस्तों को भी बताया और वे साथ में हवेली के पास जा रहे थे। जब वे हवेली पहुंचे तो उन्होंने एक पुरानी पुस्तक पर ध्यान दिया। पुस्तक में लिखा था, सच्चाई विश्वास और दृढ़ता से कुछ भी संभव है। इसे देखकर राजू और उसके दोस्तों की नज़रें बदल गई। वे हवेली में अपने डर को परास्त करने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे उन्होंने हवेली के हर कोने को जांचा और उन्होंने डर का सामना किया, लेकिन कोई भी भूत नहीं मिला। वे समझ गए कि डर भय का होता है और जब आप उससे निपटते हैं तो आपके सामने सच्चाई होती है। इस कहानी से राजू और उसके दोस्तों ने सीखा कि डर को परास्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन संभव है। वे ये भी समझ गए कि अगर आप मेहनत, विश्वास और दृढ़ता से किसी भी मुश्किल का सामना करते हैं, तो आप उसे पार कर सकते हैं।